लापता लेडीज नाम से एक फिल्म आई है और नाम से ही समझ में आता है कि पिक्चर में भाई साहब कोई तो भी लेडीज जो है वो लापता हो चुकी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी लेडीज लापता हुई है और क्या है पूरा मामला। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 2001 से, जहां पे हमारे हीरो की शादी हो चुकी है। हीरो का नाम है दीपू और उसकी वाइफ का नाम होता है फूल। अब शादी के बाद दीपू की फैमिली तो गाँव आ चुकी है वापस, लेकिन दीपू वही रुक गया, कोई रस्म होगी उसके कारण से उसको 2 दिन के लिए वहां रुकना पड़ा। अब 2 दिन बाद दीपू जो है वो अपनी वाइफ को, मतलब नई नवेली दुल्हन को, अपने घर लेके जा रहा है। अब देखो सारा का सारा जो मामला है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है जब दीपू अपनी वाइफ को लेके घर पहुंच जाता है। घर पहुंच के पता चलता है कि दीपू जिसको अपनी वाइफ समझ के लेके आया है वो उसकी वाइफ नहीं है, कोई और है। तो भाई अब हमारा जो हीरो है वो फूल की जगह पे जया को लेके आया है और ये जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा हो जाता है घूंघट के कारण। तो अब भाई दुल्हन ने घूंघट ले रखा था, दीपू को भी पता नहीं चला कि वो किसी और को उठा ले आया है। अब तुम्हारे सामने सवाल ये है कि आखिर फूल का क्या हुआ और जिस लड़की को ये उठा के लेके आया है अब उसका क्या होगा। अब देखो पिक्चर की कहानी तो मैंने तुमको बता दी, अब तुम लोगों पे है भाई कि तुम पिक्चर देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर सकते। अब अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मूवी के बारे में बताऊं तो एक सिंपल एंड स्वीट सी स्टोरी है और यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे तुमको कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेंगे जिनको देख के तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फोर्सफुली डाले गए हैं, ऐसा लगता है एकदम नेचुरली पंच मतलब निकले हैं उन लोग से। पिक्चर में कॉमेडी हो या एक्टिंग हो दोनों ही मुझे नेचुरल लगी है, तो भाई मैंने तो एंजॉय किया पिक्चर को। तो मेरा तो ये कहना है भाई कि पिक्चर वन टाइम वॉच तो है, अगर तुम इस टाइप के पिक्चर नहीं भी देखते हो फिर भी तुम्हें ये पिक्चर पसंद आ सकती है। बाकी यार पिक्चर के गाने भी अच्छे हैं, अगर तुम उसको अलग से सुनते हो तो इतना ज्यादा फील नहीं हो पाएंगे, पर अगर तुम उन गानों को ही पिक्चर में सुनते हो तो भाई गाने फील हो जाते हैं। ओवरऑल बात करूं मूवी के बारे में तो मेरी कुछ ऐसी खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी पिक्चर के साथ, पर मैंने एंजॉय किया पिक्चर को। अगर तुम भी इस पिक्चर को देखना चाहते हो तो भाई देख लो। तो इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।